Hello everyone, welcome to my channel English with Shruby. Today we are going to start with the chapter number 7 from New Oxford Modern English, Across Three Millennia. It is written by Emily Smith. अच्छा, मुझे लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है और इसकी स्टोरी जल्दी से समझ नहीं आ रही, मगर मैं बताऊं अपनी ओपिनियन तो ये चैप्टर एक्चुअली बहुत इजी है. बस इसमें समझने की बात ये है कि यहाँ पर आपको दो अलग अलग स्टोरीज़ एक साथ सुनाई जा रही हैं. मतलब एक पैराग्राफ एक स्टोरी का, फिर अगला पैराग्राफ दूसरी स्टोरी का, फिर उसके अगला पैराग्राफ पहली स्टोरी की कंटिन्यूएशन, और इसी तरह से दोनों स्टोरीज़ आप पूरी इस बुक चैप्टर में चलती रहती हैं. तो दो स्टोरीज़ हैं और दोनों ही स्टोरीज़ बहुत इजी हैं, मुश्किल उसमें कुछ भी नहीं है. हाँ, लेकिन ये चैप्टर हमें बहुत बड़ी सीख देता है, लेसन देता है, जो कि समझने वाली बात है. अब इस चैप्टर के हेडिंग यानी टाइटल का मतलब, अब हमें ये टाइटल जो दिया है अक्रॉस थ्री मिलेनिया. अक्रॉस मीन्स पार, थ्री मिलेनिया. वन मिलेनियम इज़ इक्वल टू 1000 ईयर्स. एक मिलेनियम में 1000 साल होते हैं, तो यहाँ पर थ्री मिलेनिया की बात हो रही है, इसका मतलब 3000 साल की बात हो रही है. तो दोनों स्टोरीज जो हैं उनमें 3000 साल का गैप है, इसलिए हमें अक्रॉस थ्री मिलेनिया यानी कि हमारी एक जर्नी है, जो राइटर है हमें दो अलग अलग एराज, दो अलग अलग ज़मानों से हमें फेमिलियर करवा रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि चाहे ज़माना कोई भी हो, चाहे बहुत पुराना एंशियंट ग्रीक का ज़माना हो या फिर फ्यूचर हो यानी कि 22nd सेंचुरी. यहाँ पर दो अलग अलग ज़माने दिखाए गए हैं, एक तो एंशियंट ग्रीस दिखाया गया है जो कि जीसस क्राइस्ट के भी बर्थ से पहले का ज़माना है, और एक दिखाया गया है 22nd सेंचुरी यानी कि अगली सेंचुरी, इस और 100 साल बाद, जब ह्यूमंस स्पेस में जाते हैं. तो मतलब इतनी तरक्की कर ली है इंसान ने कि वो स्पेस में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है. तो ये दिखाया गया है कि चाहे ज़माना कोई भी हो, प्रॉब्लम्स सबके सामने आती हैं और प्रॉब्लम्स को डील करने का हम सबका एक तरीका होता है, हम सब हमारा एक एटीट्यूड होता है उस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स. तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अपने आप को उस प्रॉब्लम से, उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालते हैं. तो दो ज़माने जो यहाँ पर दिखाए गए हैं वो है एंशिएंट ग्रीस और दूसरा फ्यूचर में स्पेस में. ठीक है, इन द चैप्टर देर आर टू डिफरेंट स्टोरीज फ्रॉम टू डिफरेंट एराज. वन स्टोरी डेट्स बैक टू एंशिएंट ग्रीस एंड द अदर फ्रॉम फ्यूचर समवेयर इन 22nd सेंचुरी. देयरफॉर एज द टाइटल सजेस्ट्स, द राइटर इज टेकिंग अस थ्रू थ्री मिलेनिया इन द चैप्टर. यहाँ पर 3000 सालों की हमें जर्नी है, और हम एक बार एंशियंट स्टोरी पढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ में फ्यूचर वाली, फिर उसके अगले पैराग्राफ में वापस एंशियंट वाली. इस तरीके से ऑल्टरनेट पैराग्राफ्स के थ्रू हमें पूरी स्टोरी बताई गई है. अब देखिए कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इन दोनों स्टोरीज में. पहले हम देखेंगे एंशियंट ग्रीस के कैरेक्टर्स हैं फिलिप, चीमन और क्लियोन. दूसरी तरफ जो फ्यूचर है उसके कैरेक्टर्स हैं लालडा और ब्रील. अब स्टोरी की सेटिंग, कि वो स्टोरी कहाँ पे हो रही है. जो एंशिएंट ग्रीस वाली स्टोरी है वो चल रही है वहाँ पे बैक, एक कंस्ट्रक्शन साइट के बैकड्रॉप में चल रही है. वहाँ पर एक टेंपल कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं मंदिर में, खुदाई का काम, डिगिंग का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर उनका सुपरवाइज़र है, फोरमैन जिसे बोला गया है स्टोरी में, और उनका एक और हेड है चीमन, और एक कैरेक्टर और है क्लियन जो कि फोरमैन ही है शायद. और दूसरी साइड फ्यूचर वाली स्टोरी में हमें दिया गया है लालडा, जो कि फ्यूचर वाली स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर है, और अलाइव कैरेक्टर है यानी कि जिंदा है. दूसरी है ब्रील. ब्रील उसकी पार्टनर थी जो उसके साथ स्पेस में आई थी, लेकिन अब वो मर चुकी है और उसको मरे हुए भी 28 डेज बीत चुके हैं. तो लालडा जो है वो अब स्पेसक्राफ्ट में अकेली है, और उसका जो यहाँ पर उसकी जो स्टोरी का सेटिंग है वो एक स्पेसशिप में है, जिस स्पेसशिप का नाम है CMF-22. सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर स्टोरी में सबसे पहले दिखाया गया है कि फिलिप जो है इसका थोड़ा सा हमें
फ्यूचर फिलिप की जो स्टोरी है, यानी कि एंशिएंट ग्रीस वाली, उसमें थोड़ा सा आगे का दिखाया गया है कि जो फिलिप है वो अपने सामने एबिकस लेकर बैठा हुआ है। एबिकस आप सबको पता होगा मैथ्स में यूज़ होता है छोटे बच्चों को काउंटिंग्स और कैलकुलेशंस सिखाने के लिए, और ये बहुत ही पुराना तरीका है। आप खुद ही समझ लीजिए जब ये 3,000 साल पुरानी स्टोरी में दिखाया गया है तो कितनी पुरानी टेक्निक है कैलकुलेशंस की। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर दिखाया गया है जहाँ पर लालडा हमें दिख रही है, जो अपने स्पेसक्राफ्ट में अपने कंट्रोल पैनल के पास बैठी हुई है और सारे कंट्रोल्स को देख रही है। अब आपकी स्टोरी जो शुरू होती है उसमें दिखाया गया है कि जो फिलिप है वो अबाकस की तरफ देखे जा रहा है, उसके बीड्स की तरफ देख रहा है और थोड़ा सा नर्वस है, घबराया हुआ है, उसके माथे से पसीना टपक रहा है, लेकिन वो अपने आप को समझाता है, अपने आप को काम डाउन करता है कि मैंने ये पहले भी पढ़ाई में सीखा हुआ है, इस पे कैलकुलेशंस की हुई हैं तो मैं कर लूँगा। क्लियोन जो है वो वहाँ पे उसका वो स्टूडेंट रह चुका है, प्यूपल रह चुका है, और उसको उसके टीचर ने यही बात सिखाई थी कि जो अबैकस है वो कभी झूठ नहीं बोलता, मतलब अबैकस की कैलकुलेशन कभी रॉन्ग नहीं हो सकती, अगर कोई गलत हो सकता है तो वो है हम खुद, यानी कि इंसान खुद गलत हो सकता है लेकिन अबैकस कभी गलत नहीं हो सकता। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया गया है लालडा, जो कि अपने कंसोल होता है एक कंट्रोल पैनल पूरा, जहाँ पर सारे बटन्स हैं, सारे चेक्स करने के लिए सारे कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए हैं, वो वहाँ बैठी है और दुनिया के सबसे पावरफुल और भरोसेमंद कंप्यूटर के पास बैठी है, जो कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद कंप्यूटर वो है उसके पास, तो उसकी रीडिंग्स जो हैं, उसकी चेकिंग्स जो हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकती। तो आप दोनों तरफ अगर आप देखें तो एक सिमिलैरिटी है कि कंट्रोल पैनल जो है वो कंप्यूटर जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता, और पास्ट में अबैकस कभी गलत नहीं हो सकता। और वो देख रही है कि कंप्यूटर पे जितनी भी लाइट्स हैं वो सब ग्रीन है, यानी कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सिचुएशन पूरी नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है और उसको घबराने की कोई बात नहीं है, इसलिए उसने जो स्पेसक्राफ्ट है वो ऑटो पायलट मोड पर स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको दिखाया गया है कि ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ग्रीक्स जो हैं उनके जो गॉड थे उनके लिए वो लोग एक मंदिर बना रहे हैं, उनके गॉड कौन है, अपोलो, यहाँ पर उनका नाम भी आया हुआ है। ओ इट विल बी सुपर्ब। पेज नंबर 78 पे चिमन बर्स्ट आउट सडनली, वी रियली आर बिल्डिंग अ टेम्पल वर्दी ऑफ अपोलो। अब अपोलो ग्रीक गॉड हैं, ग्रीक्स के भी और रोमन्स के भी, रोम के लोगों के भी, और वो उनके बहुत बड़े गॉड हैं, उनके लिए वो मंदिर बन रहा है। अब यहाँ पर फिलिप दिखाया गया है कि वो थोड़ा सा नर्वस है, और जो यहाँ पर दो लोग दिखाए गए हैं, फिलिप जो कि वहीं पर बैठा हुआ है किसी से बात करने के इंतज़ार में है कि जो वहाँ का सुपरवाइज़र है या जो वहाँ के हेड हैं वो मिलें उनको, वो जब फ्री हो तो मैं उनसे बात कर सकूँ नौकरी के लिए, क्योंकि वो उसको इस टाइम नौकरी की बहुत ज़रूरत है अपने घर वालों को सस्टेन करने के लिए, उसके घर में उसकी मम्मी है, उसकी बहन है, उनको उसे पालना है, तो उसको नौकरी की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और वो इसी की बात करने आया हुआ है। जैसे ही वो सुपरवाइजर को और फोरमैन को देखता है, चीमन को, तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, लेकिन उन दोनों का ध्यान फिलिप के ऊपर नहीं जाता, वो अपनी आपस में ही बातें करने में लगे हैं, और बैकग्राउंड में जो स्लेव्स हैं, उस जमाने में गुलामों का जमाना था, तो गुलाम जो थे वो मंदिर में डिगिंग का काम कर रहे थे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और वहाँ पर आर्किटेक्ट जो चीमन है वो वहाँ का आर्किटेक्ट है, और दो लोग वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उनकी बातें जो हैं वो उस ज़माने के हिसाब से वहाँ के करंट अफेयर्स थे, उस ज़माने की बातें कर रहे हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं कि देखिए पेज नंबर 78 पर, दे स्टूड फॉर अ वाइल इन साइलेंस, देन चीमन वेंट ऑन इन अ थॉटफुल टोन, यू नो देयर इज अ मैन इन एथेंस हु सेज द सन इज अ मास ऑफ फ्लेमिंग मटीरियल एंड द मून्स लाइट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सन। द फोरमैन शुक हिज हेड एट द वेरी थॉट ऑफ सच वियर्ड आइडियाज।
अब वो इतना पुराना ज़माना है, साइंस ने कोई तरक्की नहीं की हुई, लोगों की सोच अभी भी पुराने ज़माने की है, वो भगवानों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और मानते हैं कि दुनिया जो है भगवान ने बनाई है और सन अपने आप में एक गॉड है। तो ये जो थियरी है साइंस का, जो एक प्रिंसिपल दिया कि सन जो है वो एक हॉट बर्निंग बॉल ऑफ फायर है और मून के पास अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, मून सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये थ्योरी दी थी एनैक्सागोरस ने। ये उस वक्त एथेंस में रहता था और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक थ्योरीज देता था, इसलिए उस ज़माने के लोग उसे पसंद नहीं करते थे और उसको वहाँ से जाना भी पड़ा था। अगर आप और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन एनैक्सागोरस की बात हो रही है यहाँ पर, कि एथेंस में एक आदमी है जो इस तरह की अजीब सी वियर्ड सी बातें करता है, लेकिन उन दोनों आदमियों के रिएक्शन से पता चल रहा है कि वो लोग उसकी बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ लालडा को दिखाया गया है। लालडा की आंख से आंसू बहता है क्योंकि उसको अपने पार्टनर, अपनी फ्रेंड ब्रील की याद आ रही है, जिसको मरे हुए अब 28 दिन बीत चुके हैं और वो उसको मिस कर रही है। हालांकि वो थोड़ी सी बॉसी रहती थी, मतलब उसको थोड़ा सा डोमिनेट करती थी, उस पर ऑर्डर्स चलाती रहती थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी पार्टनर थी अगर किसी को स्पेस जर्नी पे जाना हो तो। लेकिन अब उसने, क्योंकि वो अकेली इंसान थी स्पेसक्राफ्ट में, तो वो किसी भी इंसान की ह्यूमन वॉइस को मिस कर रही थी, अकी अब ब्रील भी नहीं है जो उसको टोक सके। स्पेस में रहना इतना आसान नहीं होता, हमें यहाँ बताया नहीं गया कि ब्रील की डेथ कैसे हुई, तो हो सकता है ब्रील के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो स्पेस में, या वो नहीं सरवाइव कर पाई हो। ओके, लेकिन लालडा भी अब थक चुकी है, वो अपने बंक में जाती है, एक बेड होता है छोटा सा, एक के ऊपर एक दो बेड्स होते हैं बंक में, बंक बेड होता है, अब जो उसके कंट्रोल रूम के पास ही है, उस पर चढ़ने लगती है सोने के लिए, लेकिन अचानक से रुक जाती है। वो सोचती है कि ठीक है, मैं एक बार पहले सारे चेक्स देख लेती हूँ कि सारी पूरा स्पेसक्राफ्ट और सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, फिर मैं एक नींद ले लूँगी। वो चढ़ती है, ऑटो पायलट मोड पर है, तो वो सोचती है कि अब इतना बढ़िया कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर मेरे हाथ में है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो और ये चल भी इस वक्त ऑटो पायलट मोड पे रहा है, तो शायद मुझे इतना चेक्स करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चैन से सो सकती हूँ। लेकिन अगर ब्रील होती तो वो हैरान हो जाती अगर मैं ऐसा करती तो। ब्रील को शायद वो बहुत कॉशियस रही होगी और उसको भरोसा नहीं होगा, वो खुद चेक्स पे विश्वास करती होगी। फिर थोड़ी देर वो वहीं खड़े होकर सोचती कि क्या करूं, फिर उसको अपनी स्पेस कॉलेज की ट्रेनिंग याद आती है, तो इसलिए वो सोचती है कि मैं एक बार चेक्स कर ही लेती हूँ, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि हमें खुद अपने हाथ से सारी कंट्रोल्स को चेक कर लेना चाहिए, चाहे कंप्यूटर कितना भी अच्छा हो, लेकिन खुद से भी एक बार चेकिंग कर लेनी चाहिए। वो सारी स्क्रीन्स वगैरह, सारे स्कैनर्स वगैरह चेक करती है और उसको सब परफेक्ट ऑल राइट नज़र आता है, सब ग्रीन सिग्नल्स ही दिखाते हैं। तो और वो जाकर एक बार अपने शिप के आसपास का टेम्परेचर चेक करती है, जो कि -2.61 होता है, 2.61 होता है, विच इज क्वाइट कोल्ड। फिर वो अपने बंक पर चढ़ जाती है ये निश्चिंत होकर कि अब घबराने की तो कोई बात नहीं है, मैं सो सकती हूँ, तो वो चली जाती है। अब दोबारा से वापस एंशिएंट ग्रीक का सीन आ जाता है, जहाँ पर दिखाया गया है कि फिलिप जो है वो अब चीमन से बात कर रहा है कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो चीमन उससे पूछता है, क्या तुम आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानते हो, बिल्डिंग वर्क के बारे में? तो वो मना कर देता है कि नहीं सर, मैं तो नहीं जानता। तो फिर वो पूछता है कि फिर क्यों मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ? तो फिलिप उसको कहता है कि क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत है, और अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो मेरी माँ और मेरी बहनें भूख से मर जाएंगी। उसने कहा, हाँ ये तो सच है, मगर फिर भी और क्या रीज़न है? तो वो कहते हैं कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत हार्डवर्किंग हूँ, और मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ, आई लर्न क्विकली। फिर उसने कहा कि और मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे रखकर आपको कोई, आपको गलत नहीं लगेगा, मुझे लेना डिसीजन आपका करेक्ट ही होगा। तो चीमन उसको देखता है, थोड़ी देर सोचता है क्या करूं, फिर वो अबैकस लेने, अबैकस उठा के लाता है।
अब दूसरा सीन दिखाया गया है लालडा का, वो अपनी व्हील्ड चेयर पर उस पर सीट पर बैठी है और मेन कंसोल के चेक्स देख रही है। उसको सब कुछ ठीक लगता है, सोचते हैं सब कुछ ठीक ही होगा, क्यों नहीं होगा, इतना बढ़िया 22nd जनरेशन का कंप्यूटर है, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। फिर वो अपनी स्कैनर्स की स्क्रीन्स को ऑन करती है, उसको लगता है कि सब ओके ही लग रहा है, लेकिन उसको हल्का सा एक फर्क लगता है सन की रोशनी में, कि सन जो है वो थोड़ा और ब्राइट नज़र आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है पहले से। अब ये स्टोरी यहीं पर रुकती है और वापस एंशिएंट ग्रीस दिखाया जाता है। चीमन जो है वो उसको अबैकस उठा करता है और उसको बोलता है कि मुझे एक क्लर्क की ज़रूरत है जो थोड़ा क्लरिकल काम संभाल सके, कैलकुलेशंस देख सके। फिलिप जो है वो स्टूल पर बैठा होता है और कोशिश कर रहा होता है उसके फिगर्स वगैरह जो नंबर्स हैं उनको समझने की। फिर चीमन अपनी बेर्ड यानी कि दाढ़ी को थोड़ा सा घुमाता है, हिलाता है और फिर फिलिप की तरफ देखता है, उससे पूछता है कि क्या तुम कैलकुलेशंस कर पाओगे। फिलिप फिलहाल तो हाँ बोल देता है क्योंकि उसको नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो चीमन जो है उसके हाथों में अबैकस पकड़ा देता है और कहता है ठीक है देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, और अपना पेपायरस स्क्रॉल अगेन। अब पेपायरस क्या होता है, उस ज़माने में जो एंशियंट ग्रीस रोम ये सब ज़माना था, उस ज़माने में एक प्लांट की हेल्प से एक मटेरियल बनाया जाता था पेपर जैसा, और उस ज़माने में उसी को क्लरिकल कामों के लिए लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। वो उस वहीं से पेपायरस से ही पेपर वर्ड बना है, तो हम कह सकते हैं कि जो पेपर है वर्ड वो एक ग्रीक वर्ड पेपायरस से बना है। तो वो अपने पूरा सारे पेपर्स वगैरह देखता है उसमें से हेल्प लेने के लिए। फिर वो फिलिप को कहता है कि ठीक है तुम एक कैलकुलेशन मुझे करके दिखाओ, 350 में से 75 प्लस करना है तुम्हें। अब अबैकस को हाथ में देखकर जो फिलिप है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके हाथ घबराहट से कांपने लगते हैं, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि मैं ये सब अबैकस पे पहले भी कर चुका हूँ और मैं क्लियोन का बेस्ट प्यूपल रह चुका हूँ। तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ तो मैं आज भी कर लूँगा, मुश्किल नहीं है, थोड़ा गैप हो गया है टाइम का, मैंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। अब दूसरी साइड लालडा को दिखा रहे हैं, लालडा जो है वो अपने लिए एक फ्रूट जूस करती है पोर, लेकिन वो उसको याद आता है कि फ्रूट जूस या कोई भी लिक्विड जो है उसे कंट्रोल रूम में अलाउड नहीं किया जा सकता, तो वो उसको वहीं पे रुक जाती है और उसको हटा देती है। फिर उसकी अचानक से नज़र जो है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल पर पड़ती है और वो दोबारा से चेक करना स्टार्ट करती है, ऑटो पायलट चेक। तो वो ऑटो पायलट वो जो भी चेक करने के लिए पूछती है उसको, उसका जो कंप्यूटर है वो रिप्लाई बैक करता है इस तरह से। तो उसको लगता है कि ठीक है ये तो बहुत अच्छा कंप्यूटर है, और मतलब ऑब्वियसली धरती पर भी जो लोग हैं अर्थ पर वो लोग भी मुझे किसी वो भी लोग कोई चांस नहीं लेंगे मेरी लाइफ को लेकर, वो लोग मैं क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करके वापस आ रही हूँ तो उन सबको भी मेरी लाइफ की चिंता होगी, तो सब कुछ स्मूथ ही चलेगा, मेरे को कोई ख़तरा नहीं है, वो यही सोचती है। और वो फिर दोबारा से सारे स्कैनर्स ऑन करती है, स्टार स्टडेड ब्लैक। अब लेकिन वो ये देखती है कि जो सन का ग्लो है वो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और अब उसको महसूस होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो फिफ्थ स्क्रीन है उसमें सन का ग्लो बहुत ज़्यादा है और सन का साइज भी अब पहले से बड़ा लग रहा है। यहाँ पर लालडा जो है वो फ्राउन कर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दूसरी साइड वहीं दिखाया गया है फिलिप को, फिलिप गेव अ लिटिल शेक टू गेट ऑल द बीड्स डाउन टू द साइड ऑफ द एबिकस, देन ही टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेट अप द 350। अब वो 350 में 75 प्लस करने वाली कैलकुलेशंस को अबैकस पे करने की कोशिश करता है,
शुरू में 350 तो वो मैनेज कर लेता है फटाफट से, तो उसको लगता है कि हाँ ये तो आसान है, लेकिन जब उसको 75 उसमें ऐड करना होता है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप को समझाता है कि नहीं मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए, ये मैंने पहले भी किया हुआ है। फिर वो कैसे उसको कैरी ओवर करना है और कैसे उसको 5 के अंदर 7 ऐड करना है और 2 को हमें दूसरे बीट पे लेके जाना है 1 को, तो वो कर लेता है और फिर फटाफट से वो आंसर बताते हैं ये 425। तो चीमन जो कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, ठीक है इज एडिशन तो इजी था, चलो अब सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ मुझे। अब वहीं दूसरी साइड दिखाया जाता है लालडा को। लालडा ने देखा है कि सन की रोशनी भी बढ़ रही है और सन का साइज भी बढ़ रहा है, तो अब उसके हाथ जो है वो कांपना शुरू हो गए हैं। अब वो देख रही है कि उसके शिप के बाहर का जो टेम्परेचर है आसपास का वो भी पहले से ज़्यादा हो चुका है। पहले वो 2.61 था, अब वो 2.84 हो चुका है और ये ज़रूर घबराने की बात है। इसलिए उसका जो दिल है वो बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो गया है। अब वो समझ गई है कि मेरा शिप जो है वो पक्का सन के पास जा रहा है, अर्थ के पास तो बिल्कुल नहीं जा रहा। और उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर, इतना बढ़िया स्पेसक्राफ्ट, मतलब इतनी इतनी मुसीबत वाली बात को नोटिस ही नहीं कर पाया। फिर उसने अपनी नज़रें उठाकर देखी इंस्ट्रूमेंट पैनल पर, सब कुछ अभी भी ग्रीन सिग्नल ही दिख रहा था, मतलब सब कुछ अभी भी सिचुएशन जो थी वो कंप्यूटर उसको नॉर्मल ही दिखा रहा था। वो ये सोच रहे कि अगर ये नॉर्मल दिखा रहा है और सन मुझे नज़दीक दिख रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, तो गड़बड़ हुई कहाँ है। अचानक से वो देखती है और कुछ उसकी उंगलियां जो हैं वो बटन्स और स्विचेस पर चलाती है, लेकिन आंसर्स अभी भी ग्रीन होते हैं। उसको अभी भी यही दिखाया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन वो समझ जाती है कि CMF 22 जो है अब वो तो अभी भी ऑन कोर्स ही दिखा रहा है, लेकिन उसको पता है कि वो सही रास्ता नहीं है, उसको अर्थ की तरफ जाना है लेकिन वो सन की तरफ बढ़ रही है। फिर शी ग्रिटेड हर टीथ। ग्रिट हर टीथ का मतलब होता है कि दांत को दांत से जोड़कर, वैसे ही एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि हम डिटर्मिन होकर डिसाइड कर लेते हैं कि अब मेरे को ही इसको सिचुएशन को अपने हाथों में लेकर इसे हैंडल करना पड़ेगा, मैं खुद इसे हैंडल करूंगी, मैं कंप्यूटर के भरोसे नहीं बैठ सकती। शी वॉज रियली गोइंग टू पुट दैट कंप्यूटर थ्रू इट्स पेसेस, सेल्फ चेक्स ऑन ऑल फंक्शंस। अब उसने सोचा कि मैं खुद अपने आप से सारी चेकिंग करती हूँ, मैं कंप्यूटर के भरोसे नहीं बैठ सकती। 1-1.5 घंटा वो कंप्यूटर कंसोल के पास बैठकर दोबारा से सारे चेक्स खुद करती है और उसको अभी भी यही दिखाता है कंप्यूटर की सब कुछ बढ़िया चल रहा है और जो स्पेस क्राफ्ट है वो ऑन कोर्स है, अपने तय रास्ते पर चल रहा है। लेकिन अगर सब कुछ सही चलता रहा तो उसको अर्थ पर 19 डेज में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन तो वो यही सोचते कि क्या मुझे घबराना चाहिए, कंप्यूटर तो अभी भी सब कुछ नॉर्मल बता रहा है, या मैं बिना बात की बेकार ही घबरा रही हूँ, या ये सच में कोई घबराने की बात है। अब वहीं दूसरी साइड वापस हमें फिलिप को दिखाया गया है। सन सर पर चढ़ाया है, इसका मतलब गर्मी बहुत हो गई है और सारे स्लेव्स पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, शायद ही उन्हें कोई उन्हें ये होश भी है कि उन्हें ब्रेक लेना है क्योंकि वो लगातार काम करे जा रहे हैं। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन का नाम सुनकर फिलिप थोड़ा घबरा गया और वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान ये सब्ट्रैक्शन भी मैं कर पाऊँ जैसे मैंने इजीली एडिशन कर ली। तो फिर उसको याद आया कि उसके टीचर जो थे क्लियोन, उन्होंने कहा था कि अबैकस इज ऑलवेज राइट, इफ देयर इज अ मिस्टेक इट इज यू, अगर कोई गलती कहीं हुई है तो वो तुमसे हुई है, अबैकस कभी गलत नहीं हो सकता। तो आर्किटेक्ट यहाँ पर बोला गया है, आर्किटेक्ट कौन है, चीमन। द आर्किटेक्ट नॉडेड एंड ग्लांस्ड टूवर्ड्स द साइट, लास्ट वन नाउ 5,000 टेक अवे 5। अब उसने कहा कि ठीक है एक क्वेश्चन और ये इसके बाद खत्म, तो वो उससे कहते हैं कि 5,000 में से 5 माइनस करके दिखाओ। फिलिप वापस अबैकस लेकर कैलकुलेशन करने बैठ जाता है, उसने फटाफट कर लिया, लेकिन उसका आंसर जो था वो 4,895 आ रहा था। ही वॉज जस्ट अबाउट टू से इट व्हेन समथिंग स्टॉप्ड हिम। अब वो आंसर यही बताने वाला था, हालांकि ये गलत आंसर है, और वो लेकिन
उसको ये पता था कि अबाकस तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसके टीचर ने उसे सिखाया है, तो इसलिए वो यही आंसर देने वाला था। लेकिन अचानक से वो ये आंसर देते देते रुक गया। उसको ये लगा कि ये होना तो नहीं चाहिए, मगर अबाकस तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि शायद मैंने कहीं बीज को हिलाने में गलती ना कर दी हो, पर उसने देखा कि उसने तो ठीक से हिलाया है सब कुछ। एंड अबाकस कुड नेवर बी रॉन्ग। तो उसने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि अबाकस में ही कोई गड़बड़ हो, या उसे अपने डिसीजन को ट्रस्ट करना चाहिए कैलकुलेटर के अगेंस्ट जाकर। मतलब कैलकुलेटर कभी गलत नहीं हो सकता, हमें ऐसा लगता है हमारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। तो यहाँ पर भी फिलिप इसी डाउट में है कि क्या मैंने गलती करी है या ये अबाकस की ही गलती है, क्योंकि ये आंसर तो ठीक नहीं लग रहा। और चीमन जो था वो उसके आंसर की वेट कर रहा था। अब यहाँ पर दूसरा दिखाया गया है कि स्पेस में वापस वही CMF-22, सारे सेल्फ चेक्स जो थे वो उसको सब कुछ ओके ही बता रहे थे, लेकिन लालडा को पता था कि ये ओके नहीं है, ये यहाँ पर ये गड़बड़ है, और अगर इसने जितना ये इसको छोड़ती जाएगी, अगर इसको नहीं देखेगी तो जो सिचुएशन है वो और वर्स होती चली जाएगी। हालांकि सन जो है वो मिलियंस माइल्स दूर है, लेकिन उसकी जो रेडिएशंस हैं वो स्पेसशिप के फंक्शंस को ख़राब कर सकती हैं। उसकी रेडिएशंस तो बहुत दूर तक आ रही हैं। लेकिन फिर उस थोड़ी देर वो उस अपनी सीट पर बैठी, उसने सोचा कि क्या करूं, क्या मैं ऑटो पायलट मोड को हटाकर खुद से नेविगेट करना शुरू करूं, क्या करूं। हो सकता है कि CMF-22 जो है मोस्ट पावरफुल और मोस्ट रिलायबल कंप्यूटर हो दुनिया का, लेकिन मेरे खुद के मन का क्या, मुझे तो नज़र आ रहा है ना अपनी आँखों के आगे कि सन नज़दीक आ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सन का साइज़ बढ़ रहा है। मैं अपनी आँखों देखे को विश्वास करूं या इस कंप्यूटर पर विश्वास करूं जो दुनिया का बेहतरीन सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है। अब यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स हमारे फिलिप और लालडा दोनों के सामने एक ही कॉन्फ्लिक्ट है, एक ही प्रॉब्लम है कि क्या हम अपने सामने वाली मशीन को ट्रस्ट करें, या अपने मन को, अपने विश्वास पर, खुद पर भरोसा करें या सामने वाली मशीन पर भरोसा करें। तो दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो मशीन पर भरोसा ना करके अपने मन पर, खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी इंस्टिंक्ट पर विश्वास करके खुद डिसीजन लेते हैं। तो जो लालडा है वो स्पेसशिप को ऑटो पायलट मोड से हटाकर सारे कंट्रोल्स अपने हाथ में लेकर खुद करती है स्पेसशिप को कंट्रोल, और दूसरी साइड लालडा मेड हर डिसीजन, शी प्रेस द स्टार्टअप बटन और सारा सिस्टम दोबारा से स्टार्ट करके अपने हाथ में कंट्रोल्स ले लेती है। दूसरी साइड जो फिलिप है वो भी डिसाइड कर रहा है 4995, उसके मन में कैलकुलेशंस चल रही हैं और उसको लग रहा है कि 4895 तो रॉन्ग आंसर है, मेरे हिसाब से तो 4995 आना चाहिए, फिर कहाँ गड़बड़ हो गई। फिर उसका अचानक से उसके पैरों की तरफ ध्यान जाता है नीचे ज़मीन पर, वहाँ पर एक बीड होता है अबाकस का, वो उसके दो हिस्से हुए हुए होते हैं, टूटा हुआ टुकड़ा, उसके दो टुकड़े ज़मीन पर उसे नज़र आते हैं। तब उसको समझ आता है कि यस, ये अबाकस की गलती है, इसका एक बीड इसमें है ही नहीं, मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है। तो वो समझ जाता है, अब वो उसका दिल उछल पड़ता है, वो वापस चीमन की तरफ देखता है जो कि उसका नया एम्प्लॉयर है। इसका मतलब उसने उसको आंसर बताया 4995, तो समझ गया कि मेरा आंसर करेक्ट है, गलती अबाकस में थी। और वहीं वो लालडा भी ऑटो पायलट मोड से हटा देती है और खुद सारी रीडिंग्स दोबारा से चेक करती है अपने शिप, और उसको अब बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऑटो पायलट मोड पर जब शिप चल रही थी वो गलत चीज़ें, गलत रीडिंग्स बता रही थी, अब मैंने खुद अपने हाथ में सारा चार्ज लिया है, मैं खुद नेविगेट कर रही हूँ, तो शायद अब मैं अर्थ पर पहुँच ही जाऊँगी और सन पर तो बिल्कुल नहीं पहुँचूँगी। अब उसको एक बीपिंग नॉइज आती है, वो ऊपर देखती है सारी रो ऑफ लाइट्स जो इंस्ट्रूमेंट पैनल पर होती हैं, सेकेंड लाइट फ्रॉम दी एंड वॉजेंट ग्रीन एनी मोर। अब जो उसको ग्रीन लाइट नज़र आ रही थी अब वो ग्रीन नहीं थी, अब वो रेड थी। तो उसका फेस खुशी से चमक जाता है कि हाँ,
गड़बड़ थी क्योंकि वो लाइट जो है वो अब रेड हो गई है और मेरा डिसीजन सही था। ऑटो पायलट जो था वो फेल हो गया उसके फंक्शंस, और मेरा जो डिसीजन था वो करेक्ट है। हम गलत तरफ जा रहे थे, मगर अब शायद मैं स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करके सही रास्ते पर ले जाऊंगी। उसने वापस स्क्रीन्स की तरफ देखा और उसको लगा कि ये तो मेरी ही दुनिया है और अब मैं इस पर आराम से कंट्रोल कर सकती हूँ। तो दोनों ही जो हमारे मेन कैरेक्टर्स थे दोनों स्टोरीज के, उन दोनों ने अपनी अपनी कॉन्फ्लिक्ट पर विक्ट्री हासिल करी। वो जीत गए क्योंकि उन्होंने मशीन पर भरोसा ना कर कर अपने आप पर विश्वास किया, खुद पर भरोसा किया, और उन्हें उनका लिया हुआ डिसीजन सही साबित हुआ। यही इस चैप्टर की सीख है जो हमें मिली है कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमेशा जो मशीन्स हैं वो सही हो, क्योंकि मशीन्स को भी आखिरकार इंसानों ने ही बनाया है, तो हम गलत नहीं हो सकते। बोथ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, फिलिप एंड लालडा, एनालाइजेस देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन एंड देन डिसाइड्स टू गो बाय देयर डिस्टिंक्ट्स। फिलिप ट्रस्ट हिज कैलकुलेशन एंड नॉट द रीडिंग फ्रॉम द एबेकस। ऑन द अदर हैंड, लालडा ऑल्सो डिसाइड्स टू टेक ओवर द कंट्रोल्स ऑफ द स्पेस क्राफ्ट एंड नॉट द ऑटो पायलट मोड। बोथ वेंट अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड ट्रस्टेड देयर डिसीजंस। दोनों ने ही जो लोगों की आम तौर पर थिंकिंग थी, जो नॉर्मल विश्वास था, उसके खिलाफ गए। एबेकस गलत भी हो सकता है, दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर गलत भी हो सकता है, और अपने ऊपर विश्वास किया। एंड दिस इज हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड रीच देयर रिस्पेक्टिव गोल्स। अब मैंने आपको थोड़े से वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें रेफर कर सकते हैं। एंड आई होप द स्टोरी वॉज क्लियर टू यू। स्टोरी बहुत सिंपल थी। एक तरफ फिलिप अपने इंटरव्यू के लिए आया था और उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, चीमन उसका नया एम्प्लॉयर था, दैट मीन्स उसको वो जॉब मिल गई। और दूसरी तरफ लालडा जो स्पेसक्राफ्ट को पहले ऑटो पायलट मोड पर चला रही थी, लेकिन उसको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, उसने ऑटो पायलट मोड को बंद किया और खुद सारे कंट्रोल्स को मैनेज किया और अपनी स्पेसक्राफ्ट को खुद नेविगेट किया, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया और उसने भी ऑटो पायलट पर भरोसा ना करके अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, और तब उसको जीत हासिल हुई। दोनों ही कैरेक्टर्स ने हमें ये सिखाया कि हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है कि सामने जो हमारे मशीन्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो बहुत समझदार हों, इन्फ्लुएंशियल हों, लेकिन हमें अपने मन पर, अपने दिल पर विश्वास करना चाहिए कि हमारा मन क्या कहता है, क्योंकि ये मन कभी गलत नहीं बताता। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आपके चैप्टर के एंड में आपको ऑथर के बारे में, यानी कि एमिली स्मिथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरे वीडियोस मोस्टली रिक्वेस्टेड वीडियोस हैं, लेकिन इतने व्यूज़ होने के बाद भी कोई लाइक नहीं करता उन्हें। आई होप मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं ये चैनल किसी प्रॉफिट मोटिव से नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो इसमें मॉनेटरी बेनिफिट कोई भी नहीं है। अगर आप मुझे लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे, मैं पैसे नहीं कमा रही, लेकिन मेरे मन को अच्छा लगेगा, मुझे पर्सनली सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।